बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एज यू ऑल नो, ड्यू टू दिस पेंडेमिक सिचुएशन इंस्टीट्यूट्स आर क्लोज्ड एंड वी हैव टू शिफ्ट आर स्टडी टू ऑनलाइन मीडियम। इसी वजह से हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपकी बुक का, वो है चैप्टर नंबर 12 एंड चैप्टर नेम इज लूप कंस्ट्रक्ट्स। तो व्हाट इज लूप? लूप क्या है बेटा? मैं इसको डिस्कस करने से पहले मैं ज़रा आपका प्रीवियस चैप्टर का मैं आप डिस्कशन कर दें। प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने कहा था कि प्रोग्राम के जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि किस सीक्वेंस में हमारे पास प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस आती हैं, तो हमारे पास डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर्स काम करते हैं, जिसमें हमने देखा था सिक्वेंशियल स्ट्रक्चर, जिसमें सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपका प्रोग्राम चलता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था कंडीशनल स्ट्रक्चर्स, जिसमें हम लोगों ने आपकी इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स इफ, और आप लोगों के स्विच स्टेटमेंट और कंडीशनल ऑपरेटर्स देखे थे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने लास्ट में कहा था कि हमारे पास रेपिटेटिव स्ट्रक्चर भी होते हैं जिसमें आपके प्रोग्राम चलते हैं। वो रेपिटेटिव स्ट्रक्चर बेसिकली क्या हैं? वो लूप्स हैं। तो हम देखते हैं लूप क्या है। लूप बेसिकली इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर स्टेटमेंट और सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली, यानी कि जब भी कोई काम हमने रिपीटेडली करना है, ठीक है, तो हम उसको लूप्स के थ्रू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने आपकी स्क्रीन पर प्रिंट कराना है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब हेलो वर्ल्ड अगर मैंने प्रिंट कराना है, तो जो मैकेनिज्म आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग तो मुझे ये करना चाहिए। लेट मी शेयर स्क्रीन विद यू, तो आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। लेट मी सी, आईडी पे चले जाते हैं दोबारा से। जी अच्छा, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर मैं आपसे बात कर रही थी कि अगर मैंने लूप क्या है, लूप अगर मैंने आपके साथ क्या है कि अगर मैंने कोई स्टेटमेंट को रिपीटेडली एग्जीक्यूट कराना है, बार बार करवाना है, तो मैं उसे क्या करूँगी, लूप के थ्रू कर दूँगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, मैंने अगर हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है 5 times, तो एक अप्रोच ये है कि मैं इसको 5 times लिखूँ, ठीक हो गया। इसको मैं वर्ड मेन के फंक्शन को करती हूँ, इंट मेन से वर्ड मेन कर देती हूँ, क्योंकि आपने वर्ड के साथ पढ़ा है, ठीक हो गया। और इसे अब हम रन कर लेते हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर मैंने कोई सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली मुझे रिक्वायर्ड है, तो मैं उसको बार बार लिख लूँ। लेकिन अगर हम लोगों ने यही काम कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी को करते हुए यूज़ करना है, तो व्हाई वी आर यूजिंग इट? तो आप ज़रा इसकी आउटपुट देखिएगा। अब आउटपुट में वो आपको, अच्छा इस पे हम लोगों ने फॉरवर्ड स्लैश एन ही लगाया, तो आपके पास एक ही उसमें शो कर रहा है। तो सी कर लेते हैं, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब इसे दोबारा से रन कर लेते हैं। अब ये देखें, ये आपको हेलो वर्ल्ड 5 times प्रिंट करके दे, लेकिन ये 5 times मुझे कैसे प्रिंट करके दे रहा है बेटा?
क्योंकि मैंने इसको 5 टाइम्स लिखा है। लेकिन लूप का कॉन्सेप्ट मुझे ये कहता है कि आप एक स्टेटमेंट को एक ही टाइम लिखें और इसको रिपीटेडली एग्जीक्यूट करा लें। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि लूप में, और अगर आपने कोई चीज़ रिपीटेडली लिखनी है तो आपको वो बार बार लिखनी पड़ेगी, लेकिन अगर यही काम आप लूप के थ्रू करते हैं तो आप इजीली विद अ सिंगल स्टेटमेंट बाय बाय एडिंग द लूप आप वो काम मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो अब वापस चलते हैं हम लोग अपने उसकी तरफ, कॉन्सेप्ट की तरफ, और दोबारा से इस आईडी की तरफ वापस आएंगे और आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि लूप्स कैसे चलते हैं। तो व्हाट इज लूप? अ स्टेटमेंट जो कि खुद, और सेट ऑफ स्टेटमेंट जो कि रिपीटेडली एग्जीक्यूट हो रही है वो क्या कहलाती है? आपकी लूप कहलाती है। ठीक है, जो स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट हो रही होती हैं वो बॉडी ऑफ लूप कहलाती हैं। ठीक हो गया। और बॉडी ऑफ लूप का आपने उसको कितनी टाइम्स एग्जीक्यूट कराना है वो आप उसकी कंडीशन में डिफाइन कर देते हैं। ठीक हो गया। जब हम लूप की बात करते हैं तो मेरे पास लूप्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने प्रीवियस जब कंडीशनल स्ट्रक्चर पढ़ा था तो आपके पास वैरायटी थी, कोई इफ स्टेटमेंट होती है, कोई इफ एल्स होती है, कोई इफ एल्स इफ होती है। इसी तरह लूप्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है व्हाइल लूप, एक होता है डू व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। आपके स्मार्ट सिलेबस में आपका डू व्हाइल लूप नहीं है, लेकिन आपका व्हाइल लूप और आपका फॉर लूप है। तो हम सबसे पहले मूव करते हैं आपके व्हाइल लूप की तरफ। व्हाइल लूप क्या है? ये आपका कंडीशनल लूप भी कहलाता है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, आप पहले व्हाइल लूप में सबसे पहले कंडीशन आती है, कंडीशन के बाद आपकी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट आती है, और उस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट के बाद आपने उसमें इंक्रीमेंट लगाना है कि आपने इसको नेक्स्ट टाइम भी एग्जीक्यूट करना होता है, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, यानी कि आपने उसको अपडेट करना होता है स्टेटमेंट को। ठीक हो गया। अब व्हाइल लूप से पहले, यानी कि ये आपकी बॉडी, आप में आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे इस टाइम, ये जैसे ये क्या है आपका, अब व्हाइल, व्हाइल के अंदर कंडीशन, जैसे आप लगाते थे इफ, इफ के अंदर कंडीशन, और उसके बाद इफ की बॉडी के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी होती है। अब ये लूप तब तक चलता रहेगा, ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। समझ रहे हैं बात? व्हाइल की कंडीशन जब तक ट्रू रहेगी ये स्टेटमेंट खुद को तब तक रिपीट करती रहेगी।